अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ अपनी डॉलेंस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का। डिटेल से मैं आपको इसके सारे स्पेसिफिकेशंस बताऊँगी, इसको आप किस तरह से ऑपरेट कर सकते हैं, और इसके अलावा बेसिक ट्रबल शूटिंग भी शेयर करूँगी। आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ इसको एंड तक वॉच कीजिएगा। सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो ये है मेरी डॉलेंस ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन मॉडल DWT 255, और इसकी कैपेसिटी है 8 kg, जो 4 to 6 पर्सन्स की फैमिली के लिए परफेक्ट है। आउटर बॉडी इसकी मेटल की है और इसके ऊपर जो है वो ग्लास का डिस्प्ले पैनल है। पैनल के राइट साइड पे मशीन का मॉडल नंबर मेंशन है, मिडल में इसका पावर बटन और प्रोग्राम्स हैं बाकी के, और एक्सट्रीम लेफ्ट पे आपको ये सारे फीचर्स दिए हुए हैं, जो जो भी फीचर्स इस मशीन में हैं। इस मशीन के फीचर्स की बात करें तो इसमें प्रो फैब्रिक ड्रम है, ट्रिपल वाटरफॉल टेक्नोलॉजी है, ऑटो रीस्टार्ट का ऑप्शन है, इसका ये जो पूरा पैनल है ये वाटरप्रूफ है, और उसके अलावा ये एनर्जी सेव करती है अप टू 38%, यानी कि 38% तक ये बिजली की बचत करती है। और ये जितने भी इसके फीचर्स हैं, ये सारे फीचर्स मैं आगे जाके आपके साथ डिटेल से शेयर करूँगी, तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिएगा। अब बात कर लेते हैं इसके टब की। तो आप देख सकते हैं कि टब इसका काफ़ी स्पेशियस और डीप है, और ये जो साइड्स पे आपको पैटर्न नज़र आ रहा है, दिस इंश्योर्स के कपड़े बहुत अच्छे से रब हो ताकि स्टेन्स प्रॉपरली रिमूव हो, और इसके अलावा ये कपड़ों को टैंगल फ्री भी रखता है। मशीन का डिस्प्ले पैनल, और इसके मिडल में यहाँ पर ये एक इंटरफेस है, इसी से आपकी मशीन जो है वो ऑन होगी, और उसके अलावा सारे प्रोग्राम्स भी यहाँ पर हैं, तो आपको इसको अच्छे से समझना है ताकि आप मशीन को प्रॉपरली ऑपरेट कर सकें। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं पावर बटन को ऑन करूँगी, मशीन आपकी ऑन हो जाएगी। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वाटर लेवल एडजस्टमेंट, यहाँ से आप अपने वाटर लेवल को एडजस्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये 7 पर एडजस्ट हुआ हुआ होता है, बट आप इसको 1 से लेकर 10 में जितने भी आपके सूट्स हैं उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे 6 सूट्स वॉश करने हैं, तो मैं इसे 6 पे एडजस्ट करूँगी, या फॉर एग्जांपल मुझे इसमें 8 सूट्स वॉश करने हैं, तो मैं इसे 8 पे एडजस्ट करूँगी। और जैसे ही आप इसको एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पर आपका साइकिल का जो टाइम है ना वो आ रहा होगा, तो ये साइकिल 49 मिनट्स का होगा। तो ये जो 49 मिनट्स शो हो रहे हैं, इसमें आपके कपड़े जो हैं वो वॉश भी होंगे, रिंस भी होंगे, और उसके अलावा ड्राई भी होंगे। तो ये तो है इसका बाय डिफ़ॉल्ट जो साइकिल का टाइम होता है वो। लेकिन फॉर एग्जांपल आप ख़ुद से टाइम सेट करना चाह रहे हैं, आप जो है कोई ब्लैंकेट्स वॉश करना चाह रहे हैं मशीन में, या फिर बहुत डेलिकेट कपड़े वॉश करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए डेफ़िनेटली आपको मशीन को जो है वो ख़ुद से प्रोग्राम करना पड़ेगा। या फिर आप चाह रहे हैं कि आप 49 मिनट्स का साइकिल रन ना करें, आप छोटे साइकिल में कपड़े वॉश करें, जैसे कि इसका जो है आई थिंक 23 मिनट्स का साइकिल भी होता है, उसमें कपड़े बहुत जल्दी वॉश हो जाते हैं। तो इस तरह से अगर आप स्पेशली इसको प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, तो उसमें यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस मेंशन है। तो हमारे पास 2 टैब्स हैं, एक है कॉन्स्टेंट का और एक है फ्लैश का। तो सबसे पहले ना मैं आपको कॉन्स्टेंट वाला दिखाती हूँ, ये सारे फीचर्स मैं आपको बताऊँगी। तो यहाँ पर ऑलरेडी अगर आप देखें तो लाइट जल रही है, यहाँ पर ये नॉर्मल पे सिलेक्ट हुआ हुआ है, और ये हमारा नॉर्मल जो है ना वो एक साइकिल है, जिस रेगुलर साइकिल जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये वो है। उसके बाद इसको मैं नीचे देखें तो आप ये स्पिन ओनली, इसमें जो है ना वो आपके कपड़े मशीन सिर्फ स्पिन करेगी, ना रिंस करेगी, ना आपके कपड़े जो है ना वो वॉश होंगे, सिर्फ स्पिन होंगे। फिर नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है वो है हैवी का, ठीक है, और ये हैवी का जो साइकिल है ये है 51 मिनट्स का। साइकिल को यूज़ करते हुए आप जो है ना वो हैवी कपड़े वॉश कर सकते हैं, अपने ब्लैंकेट्स वॉश करते हैं, उसके अलावा मैं डोर मैट्स वगैरह भी वॉश करती हूँ, तो आप जो है ना इस पे ब्लैंकेट्स वगैरह वॉश कर सकते हैं। और इसका जो साइकिल की जो ड्यूरेशन है वो है 51 मिनट्स। नेक्स्ट ऑप्शन है सॉफ्ट की, और सॉफ्ट का जो साइकिल ड्यूरेशन है वो है 28 मिनट्स ओनली, और यूजुअली इसमें ना आप बच्चों के कपड़े या फिर लॉन के जो कपड़े होते हैं, डेलिकेट कपड़े होते हैं, तो आप उसमें ये साइकिल रन करते हैं, और इसकी ड्यूरेशन सिर्फ 28 मिनट्स है। नेक्स्ट जो है वो है फास्ट,
और फास्ट के साइकिल की ड्यूरेशन है सिर्फ 23 मिनट्स। और कभी कभार ऐसा होता है ना कि हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते और हम नहीं चाहते कि जो है ना 40 मिनट्स का हम साइकिल रन करें, हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी से कपड़े वॉश हो जाएं, तो उस टाइम पे आप ये फास्ट का ऑप्शन जो है ना ये यूज़ कर सकते हैं और सिर्फ 23 मिनट्स में आपके कपड़े वॉश भी होंगे, स्पिन भी होंगे, रिंस भी होंगे और ड्राई भी हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए सारे कांस्टेंट के फीचर्स, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ फ्लैश के फीचर्स। इसके लिए आप अगेन प्रोग्राम को प्रेस करेंगे और अगर यहाँ पर आप देख सके ना तो ये लाइट यहाँ पर फ्लैश हो रही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वॉश ओनली और ये है 20 मिनट्स का, इसका ड्यूरेशन 20 मिनट्स है। इसमें आपके कपड़े जो है ना वो सिर्फ डिटर्जेंट के साथ वॉश होते हैं, ना तो रिंस होंगे ना ही ड्राई होंगे। और यूजुअल जो साइकिल होता है ना 40 मिनट्स का, उसमें भी बाय डिफ़ॉल्ट यही टाइम होता है 20 मिनट्स का। इस 20 मिनट्स में आपके कपड़े जो हैं वो सिर्फ डिटर्जेंट के साथ वॉश होते हैं। सेकेंड ऑप्शन पे जाएँ तो वो है रिंस प्लस स्पिन, तो आपके कपड़े जो है ना वो बेसिकली मशीन खंगालती है पानी से और 3 बार जो है ना वो रिंस करती है कपड़ों को, उसके बाद स्पिन करती है, और ये इसका ड्यूरेशन है 29 मिनट्स। नेक्स्ट कम द ऑप्शन ऑफ वाटर रिसाइकल। अच्छा, वाटर रिसाइकल जो है ना ये बेसिकली मशीन में इनबिल्ट एक स्टोरेज होती है, और अगर आप चाहें तो आप जो है ना इस प्रोग्राम को सेट करके आप वाटर रिसाइकल कर सकते हैं। पानी जो है वो ड्रेन नहीं होता, रिसाइकल हो जाता है और फिर नेक्स्ट जो है आपके साइकिल में वो पानी यूटिलाइज कर लेती है मशीन। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द एक्सट्रीम ड्रायर का ऑप्शन, और ये बहुत अच्छा रहता है। फॉर एग्जांपल बारिश हो रही है और आप चाह रहे हैं कि आपके कपड़े कम्प्लीटली ड्राई हो जाएं, तो आप इस ऑप्शन को यूज़ करते हुए कम्प्लीटली ड्राई कर सकते हैं। और ये 30 मिनट्स का साइकिल होता है, बट मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा टाइम है ड्रायर के लिए, तो मैं यूजुअली जो है ना वो 15 to 20 मिनट्स का ये एक्सट्रीम ड्रायर का ऑप्शन जो है ये रन करती हूँ और मेरे कपड़े जो है ऑलमोस्ट 90% तक ड्राई हो जाते हैं। बिल्कुल कम्प्लीटली तो नहीं होते, थोड़ा सा आपको एयर ड्राई करना पड़ता है, बट 90% तक आपके कपड़े जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं इस एक्सट्रीम ड्रायर ऑप्शन के साथ। तो ये आई थिंक बहुत अच्छी एक इसके अंदर एक फ़ीचर है, स्पेशली जब बारिशें वगैरह हो रही हों और आपको कपड़े ड्राई करने हों। नेक्स्ट जो है वो इसमें है टब क्लीन का ऑप्शन, और ये है 22 मिनट्स का साइकिल, और इसको जो है ना आपको मंथ में एक बार ज़रूर रन कर लेना चाहिए। दिस इंश्योर्स कि आपका टब जो है वो बहुत अच्छे से थॉरली क्लीन हो गया है, तो ये जो है ना मैं इसको मंथ में एक बार रन करती हूँ और मेरा टब जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ से आपको जो भी फीचर सेलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल मुझे अपने टब को ही क्लीन करना है जैसे, तो यहाँ पर देखें आप, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है, पावर मेरी ऑन है, तो यहाँ से जब मैं इसको पुश करूँगी तो मेरा जो है ना पानी आना स्टार्ट हो जाएगा और मेरा जो है ना टब क्लीन होना शुरू हो जाएगा। सो एज सिंपल एज दैट ये तरीका है इसको यूज़ करने का। और फिर जब आप यहाँ से अगेन प्रेस करेंगे तो आपकी मशीन जो है वो पॉज हो जाएगी, और अगेन प्रेस करने पर वहीं से आपका जो ऑपरेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द चाइल्ड लॉक। ये भी बहुत कूल फीचर है इस मशीन का, आप चाइल्ड लॉक लगा सकते हैं। प्रोग्राम और वाटर लेवल को आप इकट्ठा जो है ना, इन दोनों बटन्स को आप इकट्ठा प्रेस करेंगे तो आपका चाइल्ड लॉक लग जाएगा, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है इस मशीन का। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, मैंने काफ़ी डिटेल से आपको ये सारा एक्सप्लेन कर दिया है, तो अब चलते हैं वॉश की तरफ। तो वाटर लेवल मैंने सेट किया है और आप देखें कि पानी जो है ये आना स्टार्ट हो गया है, और ये जो है ना वाटर इनलेट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है टैप के साथ, और आपका जो टैप है वो हर टाइम खुला रहता है। ये जो भी टेक्नीशियन होगा वो आपको प्रॉपरली मशीन को इंस्टॉल करके देगा। तो अभी आप देखें यहाँ पर पानी जो है मेरा फिल हो गया है, जितना मैंने वाटर लेवल एडजस्ट किया था उसके हिसाब से, और अब हम इसमें डालेंगे डिटर्जेंट। और डिटर्जेंट के बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे चीज़ शेयर करूँ कि हमेशा ऑटोमेटिक
मशीन्स के लिए सेपरेट डिटर्जेंट होता है, और इसकी रीज़न ये है कि ये बहुत ज़्यादा फोम नहीं बनाता जैसे रेगुलर आपके डिटर्जेंट बनाते हैं, सो मशीन के लिए परफेक्ट रहता है। बस मशीन की जो ट्रे है, जो डिटर्जेंट के लिए ट्रे है, उसको आप ओपन करेंगे और उसमें आप डालेंगे अपना डिटर्जेंट। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार डायरेक्ट डिटर्जेंट क्यों नहीं डाला जा सकता, तो उसकी रीज़न ये होती है कि आपका जो डिटर्जेंट है ना वो पानी के साथ मिक्स होकर जाता है आपके टब में जब आप उसे प्रॉपर उसकी जगह पे डालते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट डालें तो कभी कभार जो है ना वो कपड़ों में जाके फंस जाता है और वहाँ से कपड़ों के कलर फेड होना शुरू हो जाते हैं। तो हमेशा आप जो इसकी ट्रे बनी हुई है डिटर्जेंट की उसी में डिटर्जेंट डालें, बहुत ज़रूरी है ये। तो यहाँ पर जो है ना मैंने साइकिल रन कर लिया है और मैं मशीन को लोड कर रही हूँ। एंड बाय द वे, एक बहुत अच्छा फीचर इस मशीन का ये है कि अगर आप कपड़े डाल चुके हैं, आपका साइकिल स्टार्ट हो गया और आपको मिडल में कहीं ख्याल आया कि आपने कुछ कपड़े मिस कर दिए हैं, तो आप मशीन को पॉज करके और कपड़े ऐड कर सकते हैं। तो ये मुझे लगता है इसका बहुत ही कूल फीचर है कि आप किसी टाइम पर भी मशीन को स्टॉप करके इसमें और कपड़े ऐड कर सकते हैं। यूजुअली जो फ्रंट लोड वाली मशीन्स होती हैं उसमें ये ऑप्शन नहीं होता। एक बार जब आपने कपड़े डाल दिए तो बस डाल दिए, उसके बाद आप दोबारा जो है ना उसको ओपन नहीं कर सकते जब तक एक साइकिल पूरा जो है वो कम्प्लीट नहीं हो जाता। तो यहाँ पर अब आप देखें कपड़ों को मशीन ने जो है ना वो डिटर्जेंट के साथ वॉश किया तकरीबन 20 मिनट्स, और अब इसके बाद ये कपड़ों को रिंस कर रही है। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, वाटरफॉल टेक्नोलॉजी जो है वो ये है कि आपको तीन साइड से जो है ना वो मशीन में पानी गिरता है, और उससे ये होता है कि आपके कपड़े जो हैं वो बहुत अच्छे से वॉश होते हैं और डीपली पेनिट्रेट करता है आपका डिटर्जेंट भी। सो ये है ट्रिपल वाटरफॉल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर जब मेरा साइकिल फिनिश होने में 10 मिनट्स रह गए, तो लास्ट रिंस पे मैंने इसमें ऐड कर दिया है फैब्रिक कंडीशनर। ये ऑप्शनल होता है बट इससे कपड़ों की लाइफ बढ़ जाती है, कपड़े आपके बहुत सॉफ्ट रहते हैं और बिल्कुल नए रहते हैं। तो यहाँ पर मेरा 40 मिनट्स का जो नॉर्मल साइकिल होता है मशीन का वो फिनिश हो गया, और आप देखें कपड़े जो हैं वो मेरे ऑलमोस्ट ड्राई हो गए हैं, तकरीबन 60% तक ड्राई हो जाते हैं इसमें, और अब मैं इनको एयर ड्राई करूँगी। अब मैं आपके साथ कुछ बेसिक ट्रबल शूटिंग शेयर करूँगी। तो ये है मशीन का वाटर इनलेट जिससे पानी जो है वो मशीन के अंदर जाता है, और इस वाटर इनलेट के अंदर जो है ना एक बहुत बारीक सा स्ट्रेनर होता है विच इंश्योर्स के किसी किस्म की डेबरी या पानी के अंदर किसी किस्म की गंदगी जो है वो मशीन के अंदर ना जाए। तो वो स्ट्रेनर बेसिकली स्ट्रेन करता है उस सारी गंदगी को। कभी कभार क्या होता है कि ये स्ट्रेनर जो है ये क्लॉग हो जाता है और आपकी मशीन में पानी का प्रेशर नहीं आता, और अक्सर लोग परेशान होकर जो टेक्नीशियंस को बुलाने लगते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इस वाटर इनलेट का जो पाइप है इसको खोल लें और आपको बाकायदा नज़र आएगी डेबरी वगैरह जो पानी के अंदर होती है। तो बस आपने क्या करना है कि किसी भी कॉटन बड की हेल्प से इस डेबरी को अच्छे से क्लीन कर लें, और जहाँ पर कॉटन बड नहीं जाता वहाँ पर आप जो है ना एक टूथपिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप बहुत हल्के हाथ के साथ इसको साफ करें क्योंकि स्ट्रेनर जो है ये थोड़ा डेलिकेट होता है। दूसरी चीज़ है आपकी मशीन का फ़िल्टर, इसको आपको मंथ में एक बार ज़रूर साफ़ करना चाहिए। ये फ़िल्टर बेसिकली क्या करता है कि आपके कपड़ों पे जो भी पार्टिकल्स होते हैं, बाल होते हैं या टिश्यूज़ वगैरह, इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट कर लेता है, और आप देखें ये कितनी थिक सी एक लेयर फॉर्म हो जाती है। तो इसको क्लीन करना मस्ट है, एटलीस्ट आप मंथ में एक बार इसको ज़रूर निकाल के साफ़ करें, और उसके बाद फिर आप इसको वापस प्लेस कर दें इसकी जगह पर। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, आपके लिए मैंने रिव्यू की डॉलेंस की ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। आई होप ये रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं इस मशीन से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।